हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। और कल मैं कूलर का सामान खरीद के लाया था और कल शाम को मैं आने के बाद थोड़ा सा मैंने काम भी किया और लगभग मैंने कूलर बना ही लिया है। और चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या मैंने बना। सो गाइस, ये है हमारे कूलर की छत और ये तीन विंडो, 1, 2 और 3। और अब हम करेंगे छत पर पेंट। गाइज, ये जो शीट है ये पाइप की शीट है जो कि मैंने पाइप से बनाया है। आप लोग भी एक पीवीसी का पाइप ला के ऐसी शीट तैयार कर सकते हो। एक तो मुझे अच्छे से आता नहीं है पेंट करना, सो जज वज ना करें। ये देखो गाइज, ये है हमारी खिड़की, प्यारी खिड़की। सो गाइज, मैंने 7 छत पे और 3 विंडो पे पेंट कर दिया है। अब ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, ये कुछ ऐसे, ये विंडो की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। और देख सकते हो कितनी घटिया तरह की फिटिंग है मैंने की है। और अब हम लगाएंगे इसकी विंडो पे घास। तो घास मैंने काट लिया थोड़ी सी, खिड़की पे घास लगा ली है और पीछे से कुछ ऐसी दिख रही है। लेकिन आगे से आप देखोगे तो ये देखो लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम जेन्युइन कूलर, जैसे कि नया नया अभी अभी मार्केट से खरीदा है। सो गाइस, 3 विंडो मैंने बांध दी है और 3 विंडो अब ऐसी दिख रही है। गाइस, ये है नीचे की बॉडी कूलर की और ये है कूलर का फ्रंट। कूलर कुछ ऐसा है हमारा। और छत पे मैंने लगाया है कैन काट के, ये छोटा सा कैन, और उसमें भर दिया एम सील। ये हमारा कूलर का फैन। अभी एक फ़ैन यहाँ पे है नहीं, एक फ़ैन और लग जाएगा, फिर 4 फैन और बहुत अच्छे से कूलर वर्क करेगा। ये स्विंग करने के लिए मैंने रेडी कर दिया है और ये कुछ ऐसे वर्क करेगा। मैंने सारा कुछ फिट कर लिया है और ये मैंने कार्डबोर्ड के बनाए हैं क्योंकि अमेजोन का मेरे पास पड़ा था। कूलर बनके रेडी है, हमका लुक अब ऐसे आ रहा है, कूलर लग रहा है एकदम टंच। हाँ, मैंने कनेक्ट कर दिया एक फीमेल कनेक्टर। और चलो अब इसकी टेस्टिंग की बारी है, इसे टेस्ट करके देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। यहाँ मैंने 2 स्विच लगा दिए हैं, ये अभी मैंने चिपकाया नहीं है, मैं चिपका दूंगा इसे। यहाँ मैंने 2 स्विच लगाई है, एक स्लो और फास्ट का मैंने एक प्लग लगा दिया और एक है वाटर पम्प का, ये वाटर पम्प के लिए यूज़ होगा और ये होगा स्पीड के लिए, स्लो और फास्ट के लिए। 2 फैन और 4 फैन इसे चलेंगे। सप्लाई देने के लिए गाइज मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एक पावर सप्लाई का, ये डीसी पावर सप्लाई है, 15 एम्पीयर की डीसी सप्लाई मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। और इसको हम डायरेक्ट, और ये पावर देने के लिए मैं यूपीएस यूज़ कर रहा हूँ और इसको सीधा यहाँ कनेक्ट कर देंगे ऐसे, बड़े इजी से कनेक्ट हो जाएगा। गाइज, ये फीमेल कनेक्टर मैंने इसीलिए लगाया था ताकि हम मेल कनेक्टर से ईजी से कनेक्ट कर पाएँ, बार बार तार जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब पावर ऑन करते हैं यूपीएस की, और यूपीएस की पावर ऑन करते ही हमारा कूलर चल चुका है। गाइस, आवाज भी आ रही है। और मैं आपको वो लगा के दिखा देता हूँ, इसकी हवा की, हवा आप देख सकते हो। अभी इसके 2 फैन चल रहे हैं, अभी इसके चल रहे हैं 2 फैन और अब मैं करता हूँ 4 फैन। और ये 4 फैन की हवा है गाइस, हवा भी नीचे जा रही है।